हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। हमारे पाठ 6 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में और जिसका नाम है हमारा वचन। ठीक है, सबसे पहले हम इस पाठ को शुरू करने से पहले यहाँ पर पाठ की परिभाषा दी हुई है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द से, संज्ञा मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, तो उन्हीं चीजों से संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है। संख्या, अब यहाँ पर एक चीज या एक से ज्यादा, मतलब संख्या हुई वो, तो संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, लड़की पढ़ती है, यहाँ पर एक लड़की है तो वो क्या कर रही है, पढ़ती है। और यहाँ है लड़कियां पढ़ती हैं, यहाँ पर तीन है तो मतलब क्या हुआ, लड़कियां हो गई। एक से ज्यादा है तो क्या लगा दिया हमने, लड़कियां पढ़ती हैं। जैसे लड़की पढ़ती है वाक्य एक लड़की के होने का बोध करा रहा है। इसके विपरीत लड़कियां पढ़ती हैं वाक्य बहुत सी लड़कियां होने का बोध करा रहा है। अभी मैंने आपको समझाया है कि लड़की पढ़ती है जो है ये वाक्य हमें क्या बोध करा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक लड़की है, लड़की पढ़ती है तो यहाँ एक लड़की का बोध करा रहा है। और यहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं तो ये हमें बहुत सारी, यानी कि उसके विपरीत लड़कियां पढ़ती हैं वाक्य बहुत सी लड़कियों के होने का बोध करा रहा है। ठीक है, अब वचन के प्रकार, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन है हमारा एकवचन, नंबर टू है बहुवचन। हमारे वचन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वचन होते हैं दो प्रकार के, वन है हमारा एकवचन और बहुवचन। ठीक है, दो प्रकार के वचन होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन, अब हम एकवचन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की जिस शब्द द्वारा संख्या के एक होने का बोध हो, संज्ञा के जिस शब्द द्वारा संख्या के एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। जैसे लड़की, औरत, पुस्तक, आंख, गेंद, शेर, रानी आदि। यहाँ पर हमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लड़की, औरत, पुस्तक, जितने भी यहाँ दिए हुए हैं, सब क्या बोध करा रहा है हमें कि यहाँ पर संख्या में एक है। ये कितने हैं? लड़की एक है, औरत एक है, पुस्तक एक, आंख एक, गेंद एक, शेर एक, रानी एक। तो यहाँ पर कितनी संख्या का बोध हो रहा है, किस तरह से संख्या का बोध हो रहा है, एक होने का बोध हो रहा है यहाँ पर कि ये एक है। तो यहाँ इसका मतलब है ये क्या है, एक वचन है। सेकेंड है हमारा बहुवचन। संज्ञा के जिस शब्द द्वारा संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द द्वारा संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, औरतें, पुस्तकें, आंखें, गेंदे, शेरों, रानियां आदि। यहाँ पर लड़कियां यानी कि एक से ज्यादा है, औरतें इसका मतलब वो औरतें एक से ज्यादा हैं, पुस्तकें एक से ज्यादा हैं, आंखें, आंख होती तो एक होता लेकिन यहाँ है आंखें, तो आंखें का मतलब वो एक से ज्यादा है, गेंदे, शेरों, रानियों, तो यहाँ पर एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ ये हुए हमारे बहुवचन। विशेष, बड़ों को सम्मान देने तथा स्वयं के लिए भी कभी कभी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बड़ों को सम्मान देने के लिए भी और स्वयं के लिए भी कभी कभी किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये चैप्टर हमारा छोटा सा है, बस इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि हमें वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये एक वचन है या बहुवचन है, हमें संख्या से पता चलेगा, मीन्स कि एक वचन में एक चीज आएगी और बहुवचन में एक से ज्यादा होंगी, तो हमें उसका पता चलेगा कि ये बहुवचन है या एक वचन है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर वचन परिवर्तन दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज आती है और बहुवचन में एक से ज्यादा आती है, जैसे कि कपड़ा, तो कपड़ा को हम अगर बहुवचन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़े, छाता, छाते, नदी, नदियां, मेला, मेले, बहु, बहु, मक्खी, मक्खियां, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, स्त्री, स्त्रियां,
कली कलियां, सूचना सूचनाएं, दवाई दवाइयां, महिला महिलाएं, बहन बहने, भाई भाइयों। ये हमारे सब एक वचन दिए थे, एक वचन को हमने बहुवचन में बदला तो यहाँ पर क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गए। कपड़ा एक है तो एक से ज्यादा कपड़े हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पंखा पंखे, ठेला ठेले, कमरा कमरे, रात राते, तारा तारे, देश देशों, खिड़की खिड़कियां, गली गलियां, बेटा बेटे, माता माताएं, अध्यापक अध्यापकों, पौधा पौधे, मकान मकानों, टंकी टंकियों, नाव नावों। तो ये हमारे एक वचन से हमने बहुवचन बनाए। तो मतलब एक वचन में हमारी एक चीज के बारे में बात हो रही है और बहुवचन में एक से ज्यादा के ज्यादा संख्या के बारे में बात हो रही है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। हमें इस चैप्टर में एक वचन के प्रकार पढ़े हमने, कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन के बारे में पढ़ा, वचन की परिभाषा पढ़ी। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।